अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक छतरपुर के निर्देशन में थाना बमीठा पुलिस की बड़ी कार्यवाही दिनांक 21-22 को रात्रि में कस्बा बमीठा के रमाकांत उर्फ पप्पू सोनी के दुकान से सोने चांदी के जेवरात कुल कीमती करीब 12 लाख रुपए के किसी अज्ञात चोरों द्वारा दुकानदार की सटल के ताले काट कर चोरी कर लिए गए थे। पुलिस को चोरी की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी ने घटना की सूचना एसपी छतरपुर श्री सचिन शर्मा को दी। एसपी के निर्देशन पर बमीठा पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय कर सभी थानों को सूचना भेजी कि एक सफेद रंग की ओमनी वैन है को घटना के समय दुकान के आसपास देखा गया है। जिले के सभी थानों की पुलिस ने नाकाबंदी की, तभी सूचना प्राप्त हुई कि उक्त ओमनी वैन नो गांव की तरफ गई है। ओमनी वैन का बमीठा पुलिस द्वारा लगातार पीछा किया गया और नो गांव पुलिस के सहयोग से ग्राम पछवारा टोल प्लाजा के पास उक्त ओमनी वैन को रोककर एक आरोपी गणेश पिता रामपुरी उम्र 45 वर्ष निवारी भंडारी थाना सकड़खेड़ी जिला बुलढाणा महाराष्ट्र को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया गया। ओमनी वैन की तलाशी लेने पर चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। सोने के जेवरात वजनी करीबन 200 ग्राम, चांदी के जेवरात वजन करीबन 5 किलो, कुल मिंटी 12 लाख रुपए को बरामद किया गया है। घटना घटित करने वाले दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक दुकान से बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी चला गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 लाख की है। इसमें जिस वाहन का इस्तेमाल हुआ था या जिस पर हमें संदेह था वो दिल्ली नंबर की थी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी की गई और जब वाहन को रोका गया, शुरुआती तलाश की गई तो उसमें से नहीं मिला। इन लोगों ने एक अलग से पैनल बनाए थे इस गाड़ी के अंदर, जिसमें सारा माल बाद में बरामद हुआ। इसमें दो थानों की टीम बमीठा और नौगांव ने जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता पाई। इसमें जो एक आरोपी है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो लोग अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। कौन लोग सर ये और इनके क्या मूवमेंट रहा है सर? जी, ये पन्ना की तरफ से आ रहे थे, दिल्ली की तरफ इनको जाना था और शुरुआती रेकी इन्होंने हो सकता है एक दो दिन पहले की हो, और जैसे ही इन्हें लगा कि इस दुकान में सामान पर्याप्त मात्रा में है, उन्होंने दुकान पे कटर के द्वारा पहले तो ताले काटे, उसके बाद वहाँ से सामान चुराया, फिर गाड़ी में जो इन्होंने पैनल बनाया था उसमें छुपाया। पर ये जो तत्परता रही सूचनाकर्ता जो फरियादी हैं, उन्होंने पुलिस को तुरंत बताया। पुलिस ने फिर सभी जो जिले की बल है उससे संवाद किया, बातचीत करी और उसके बाद इस वाहन को रोकने में सफलता पाई। जी, अभी तक पहले तो जो बाकी आरोपी हैं उनका पता चला है। ये सब लोग दिल्ली के दरियागंज में वहाँ कहीं सोते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं और कुछ बड़ा करने की इच्छा से, खासकर किसी अपराध को अंजाम देने की इच्छा से ही ये लोग निकले थे रेकी करने के हिसाब से। और यदि इनको ना रोका जाता तो शायद कुछ आरोपी दिल्ली के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, एक अंतर्राज्यीय गिरोह था जो और बड़े स्तर पर भविष्य में काम करता। थाने वाले तो खोल रहे हैं, कौन अपना खोल रहा है भैया? लेकिन बांगी लो दूर हो जा भाई, दूर हो जा भैया, बांगी और लो थोड़ा दूर हो जा। लो 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 लो, चेक कर लो सब सामान, लगाओ देखो मरा भी था पीना तो एकदम। गाड़ी से दूर रहना भैया। भैया हेलो हेलो हेलो, गेट ला दो यार, गेट ला दो, ऐसा ऐसा नहीं, बिना बिना उसको निकालो जो भैया देखो कर जो है। आओ सब देखो, सीट पर रख दो, सीट पर रख दो, देखते रहना। ये रावत जी की मेहनत है, हमारे रावत जी, हमारा हनुमान जी महाराज का, हम भागे दामी सेवा कर रहे हैं। आप हम अब दो यहाँ मिलकर खुलवाओ कर भी अपने बोले ही भर में खुल जाते काम हो जाता, भागे तो दाम का आराम से आना ही अरे सब मिलो यार, देख जाता हूँ उन्हें सब बोल देना, अब रुको और पटेल।